कैसा है? हाँ भाई, कैसे आना हुआ? क्या सोचा है फिर इस साइट के बारे में? वो सिक्योर फ्यूचर वाली? हाँ हाँ भाई, प्रोविडेंट फंड से 5 लाख तक का लोन मिल जाए तो इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट तो करना है यार, क्योंकि आजकल हर तरफ इसी के चर्चे हैं। वैसे सैटरडे को इन लोगों का सेमिनार है, क्या बोलता है? तो चलते हैं। चलते हैं। सिक्योर फ्यूचर की ऐड देखी क्या? बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी स्कीम आई है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? बढ़िया स्कीम भैया, छोटे इन्वेस्ट करेंगे। ये थे आप सब चेक भी दे रहे और बोनस भी दे रहे। ये तो फालतू इन्वेस्ट है, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। एक बार सोच ले यार। फोन बज रहा है, मुझे लगता है हमारी एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्यों नहीं मिलेगा भाई, ऐसा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं लोगों को, सबका पैसा डबल हो रहा है भाई, कुछ तो लगेगा। ऐसे अब तो इनकी लक्ष्मी जी आएगी। अरे मान यार, कि ये मिस कॉल देखना यार, 3 दिन हो गए मिस कॉल में मिस कॉल आ रही है, और बताना जरूरी है कौन है। मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है। हाँ, शनिवार शाम को 8 बजे होटल फॉर्चून इंटरनेशनल में प्रेजेंटेशन रखा है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सर जी, आपके तो चर्चे सारे शहर भर में, जिसे देखो वह आपकी चर्चा कर रहा है। अपनी कंपनी फेमस हो गई है। इमान, तुमने कंपनी का नाम भी तो सोच समझ के रखा है, सिक्योर फ्यूचर, मजा आ गया यार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सर जी, सबको अपना फ्यूचर जो सिक्योर करना है। शहर के ना। हेलो। ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा था शहर के नामी लोग भी हमारी स्कीम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तुम्हारे एक बात बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे पैसे फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करके इन्हें वापस देंगे? देखो ईमान, ना ही पैसा डबल होगा और ना ही किसी को वापस मिलने वाला है, ये सिर्फ हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है। और वैसे भी तुम भी लखपति बन जाओगे, करोगे क्या इतने पैसे का? क्या कह रहे हो सर जी, ऐसे क्यों चौंक रहे हो ईमान? यही सबसे अच्छा तरीका है देश में पैसे कमाने का। वो कहते हैं ना, जहाँ लालची लोग होते हैं लुटेरे भी वही होते हैं। सर जी, ये फ्रॉड नहीं होगा, लोगों की बद्दुआ लगेगी हमें। हम तो सिर्फ हेरा फेरी कर रहे हैं मान, और हम सिर्फ अमीरों को ही लूटेंगे। वैसे भी अमीर लोग भी तो गरीबों को चाटा मार के अमीर बने हैं। ना तो ये गुनाह है और ना ही ये कोई पाप है, दस्तूर है ये आज का। अब तुम एक काम करो, प्रेजेंटेशन का काम संभालो सर, ठीक है? ईमान, तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन की तैयारी पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके सर। बैठो यार, बैठो, खड़े मत हो। तुम्हें पता होगा यार क्यों बुलाया मैंने, ठीक है? मां तुमने बताई दिया होगा सबको। हाँ सर जी। सपना, तुम स्पीच तैयार कर लेना, ठीक है? और भाई, बट डिनर तैयार करिए और अच्छा करिए यार, पिछली बार की तरह गंदी बचना चाहिए वहाँ पे। जी सर। ठीक है, सारी फॉर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना और बैंक वालों से बात कर लेना कि सारे चेक हमें एक दिन में क्लियर चाहिए। हाँ सर जी, हमारे सारे बैंक अकाउंट रेडी है और बैंक वालों से भी बात हो चुकी है, हमारे सारे चेक एक दिन में क्लियर हो जाएंगे। तुम इधर सपना, मंडे को प्लीज जल्दी आना यार, लेट मत करना, एक दिन आ जाओ, हाथ जोड़ दो, बट आना प्लीज जरूर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम भी जानते हो कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? और मुझे लगता है इस बार रिस्पांस अच्छा मिलेगा। मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा, पीवी के पल्ले से दूर है पहले मेरे भाई। सही कह रहे हो सर जी, बाहर पीवी से बात करते रहते हैं। सर नई नई शादी हुई सर। तो मतलब मैं बीवी पाल लूं अब, हफ्ते में 2 छुट्टियां भी चाहिए और ऊपर से बहाना भी देखो किसका, बीवी का। चलो यार, ठीक है, तैयारी करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे मान, ये सब रुको एक मिनट यार, मेरी 2 टिकट्स करवा दो भाई की, ठीक है? डिटेल्स में से जाते हुए ले लेना, ठीक है? और याद से करवा दो टिकट, बहुत जरूरी है यार। सर जी, आप दुबई जा रहे हैं?
हाँ ईमान, और अगले शनिवार तक मैं टिकट कन्फर्म करवा देना और तुम भी निकल जाना। मैं भी तुम्हें थोड़े टाइम में दो ही बुला लूँगा। ये तो बहुत अच्छा होगा सर जी, लेकिन मैं मुंबई में बदल जाऊँगा, मुझे बिजनेस करना है। अरे ईमान कुछ पता चला यार उस मिस कॉल का? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट करवा दी है, जल्दी पता चल जाएगा। चलो ईमान फिर प्रेजेंटेशन में मिलते हैं, ठीक है? सर Mr. Mitra, CEO of the Secure Group, owner of food chains and hotels in more than 20 countries, कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। So let us congratulate him for getting Excellence Award in Investment this year. आप सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के एक खास मकसद से आए होंगे। फर्स्टली सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि दिस विल बी योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन। जैसे कि आप सबको पता है हमारी स्कीम का नाम गिव वन टेक टू प्लस। एक बार पैसा लगाओ, दो साल में दुगना, बट आज के टाइम पे दुगना सफिशियंट है? मेरे को तो नहीं लगता यार। इसीलिए हमारी सिर्फ एक लौती कंपनी है जो दुगने के साथ आपको बोनस भी दे रही है, वो भी पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ। एक भारतीय होने के नाते मैं भी चाहता हूँ यार कि आप सब लोगों का पैसा दो साल में डबल हो। दोस्तों आई गिव यू माय वर्ड्स, बात को लिख लो, आप एक बार पैसा लगाओगे ना पूरी जिंदगी जग मार के पैसा आपके पीछे आएगा। चाहे आप इसको मेरा गिफ्ट से बदलो या कुछ भी, बट किसी 10 इन्वेस्टर्स को या कोई 10 इन्वेस्टर्स को मेरी तरफ से एक फॉरेन ट्रिप भी दिया जाएगा। एट लास्ट दोबारा कहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, मौका बार बार नहीं आता। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक अच्छा दिन रहा ईमान, इतना क्राउड अच्छा लगा। ईमान का भी अच्छा दिन रहा आज का, सिवाय उस मिस कॉल के। सर जी आज तो थक ही गए, मैंने लोगों का इतना इन्वेस्टमेंट क्रेज पहले कभी नहीं देखा। बस ईमान अब तो दुबई जाकर ही दम लूंगा यार, बाहर जाने का सपना पूरा हो जाएगा। सर जी आप तो 20 देशों में घूमते रहते हो। भैया मैंने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के लिए। दो मिनट वेट करो, मैं फोन करता हूँ। हेलो, बाहर कस्टमर आए, आप यहाँ से ऐड देके वेट कीजिए। अरे ईमान, अरे यहाँ मेरी टिकट्स का क्या हुआ? हाँ सर जी, आप शार्जा पर पहुँच जाइएगा, कल सुबह 3 बजे की फ्लाइट है। और इतने पैसों का करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सारे चेक्स बनवा के हाँ अपने और मेरे नाम करवा ले सारे चेक। ठीक है सर जी, पर मुझे वाइफ को पिक भी करना और तैयारी भी करनी है जाके। ओके ओके सर जी। टिकट्स के लिए तुम आने वाले थे ना? कौन से टिकट? ये क्या बोल रहे हो यार? सर जी दुबई तो मैं जा रहा हूँ। ईमान ये क्या बकवास कर रहे हो? याद कीजिए सर जी, फ्रॉड स्कीम जो 2 साल पहले आपने की थी उसमें मेरे फादर ने भी इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण बेसिकली क्या है यार, जो कंपनी है ना बाहर के 20 देशों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया बड़ी बड़ी एमएनसीज में, जिससे कि क्या होता है जो हमें सारा टर्नओवर मिलता है या जो इतना भी पैसा वापस मिलता है वो सब लोग आप लोगों के पास जाता है। हमारा प्रॉफिट है ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी कंपनीज प्रॉफिट के लिए कर रही है। फाइनली मैं आपको इतना बोलूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना और सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये डिसीजन आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर मित्रा अपनी लखपति बनो स्कीम की सारी जमा पूंजी के साथ फरार पाए गए हैं।
लोगों को उनकी कीमतों का एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इमान, अलविदा सर जी। तुम यहाँ पे कर रही हो? ये कौन है? तुम भाग रहे थे ना, अब मैं देखती तुम कहाँ तक था। अरे अरे ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं कौन है ये। आई डोंट इवन डोंट नो हु इज दिस। मैं तो बस अरे अरे कौन है? थाने लेके चल रहे इसको, लेके थाने में चलो। चल चल देख लो, अभी भी पकड़ा।